बस्ती के जिला अस्पताल में वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए बीजेपी नेता का हंगामा। महिला स्टाफ नर्स के कपड़े तक फाड़ने का आरोप। केस दर्ज होने के बाद कर्मचारी काम पर वापस लौटे। उन्नाव में 30 मिनट में दो चेन लूट की घटना है। पहली घटना निषाद मार्केट में, दूसरी वारदात को आनंद नगर में हुई। शनिवार को ही नए कोतवाली प्रभारी ने संभाला है चार्ज। रायबरेली में पुलिस से भागते जुआरी की नदी में डूबकर मौत हो गई। शव रखकर लोगों ने हंगामा किया। पुलिस पर लगाया मृतक की हत्या का आरोप। चित्रकूट में संदिग्ध परिस्थितियों में आर्यावर्त बैंक में लगी आग। जरूरी दस्तावेज और कैश के जलने की आशंका। शहर कोतवाली क्षेत्र करवी में है आर्यावर्त बैंक। गाजीपुर में बगैर इजाजत चल रहा ईंट भट्टा। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सभी लाइसेंस कर चुका है रद्द। तहसीलदार ने भट्टा बंद होने की डीएम को दे दी है सूचना। बागपत ने राज्य मंत्री और बागपत के प्रभारी मंत्री जसवंत सैनी और सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी। पार्टी के लिए काम नहीं करने पर हटा दिया जाएगा। फतेहपुर में सपा प्रदेश अध्यक्ष उत्तम पटेल का बयान। यूपी हत्याओं का प्रदेश बनकर रह गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त। आए दिन हो रही हत्याएं। निजी कार्यक्रम में बुलंदशहर पहुंचे मंत्री नंदगोपाल नंदी ने विपक्षियों पर साधा निशाना। कहा आज कांग्रेस समाप्त हो गई है, पूछने वाला कोई नहीं। कानपुर में तेज धूप में रोडवेज बस में सवारियों ने लगाया धक्का। घाटमपुर बस स्टैंड के बाहर बंद हुई थी महुआ डिपो की बस। सवारियों की बस में धक्का लगाने का वीडियो वायरल। मथुरा में बाइक सवार बदमाश ने चांदी व्यापारी से लूटा बैग। आंख में मिर्च का पाउडर डालकर घटना को अंजाम दिया। घटना का फुटेज भी सामने आया। आगरा में चलती कार में युवकों ने किया स्टंट। कार की खिड़की पर बैठकर बनाई वीडियो। शास्त्रीपुरम का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। नोएडा फिल्म सिटी में फैशन शो के दौरान हादसा। फैशन शो का लाइटिंग जाल फ्लोर पर गिरा। शो में पार्टिसिपेंट्स करने आई पूजा चोपड़ा की मौत। पुलिस आयोजकों से पूछताछ में जुटी। आगरा के पिनाहट में सरकारी अस्पताल की दीवार गिरने से दो मजदूर दब गए। महिला मजदूर और उसकी दो साल की बच्ची सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल। पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिहा का मामला। सीतापुर मृतक युवक के परिजनों ने शव रखकर रोट किया जाम। पुलिस के मुकदमा न लिखने से नाराज हैं परिजन। संदिग्ध परिस्थितियों में बाग में मिला था युवक का शव। उन्नाव में शादी समारोह में वापस लौट रही तेज रफ्तार कार खब्बे से टकराई। कार के नीचे दबे लोगों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बस्ती में सरयू नदी में नहाने गए तीन युवक डूबे। डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बंधे पर काम कर रहे मजदूरों ने दो युवक को किसी तरह वहां से बचाया। हरदोई में ट्रैक्टर की टक्कर से साइकिल सवार नाबालिग की मौत। दूसरा घायल। हादसे के बाद ट्रैक्टर खाई में पलटा। अतरौली थाना क्षेत्र के महिंगवा गांव का मामला। अमरोहा में कॉटन वेस्ट की गाड़ी में भयंकर आग लग गई। गाड़ी के ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। आग लगने से गाड़ी में लाखों का नुकसान हुआ है। नगर कोतवाली इलाके के ईदगाह रोड का मामला। कुशीनगर में सड़क निर्माण को लेकर हुए विवाद में आगजनी। आक्रोशित एक पक्ष ने खुद की झोपड़ी में आग लगाई। लखनऊ के अपार्टमेंट में आग लगने से अफरा तफरी मची। घर में मौजूद महिला को रेस्क्यू किया गया। कन्नौज में रोडवेज बस की चपेट में आकर युवक की मौत। आक्रोशित लोगों ने बस में लगाई आग। सड़क पर लगाया जाम। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र की घटना। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर धू धू कर जलने लगी कार। दिल्ली से धौलपुर जा रहे थे कार सवार। हादसे में बाल बाल बची सभी की जान। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले का आरोपी शहनवाज और बद्दो महाराष्ट्र के अलीबाग से गिरफ्तार। गाजियाबाद और महाराष्ट्र पुलिस ने शहनवाज के भाई को भी दबोचा। शहनवाज पर ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का आरोप। शहनवाज मकसूद खान और बद्दो को मुंबई पुलिस लोकल कोर्ट में पेश करेगी। गाजियाबाद पुलिस कोर्ट में बद्दो को ट्रांजिट रिमांड मांगेगी जिसके बाद बद्दो को गाजियाबाद लाया जाएगा।
बरेली में एक शख्स ने नाबालिग छात्रा का किया अपहरण। मोबाइल के जरिए पहले किया छात्रा का ब्रेन वॉश, बंधक बनाकर कई दिनों तक बलात्कार किया। आगरा में दृश्यम 2 देखकर बनाई गई थी अंजलि बजाज की हत्या की योजना। पुलिस ने मृतका की बेटी के प्रेमी प्रखर गुप्ता और उसके साथी को गिरफ्तार किया। कासगंज में अज्ञात शख्स के शव पर दो परिवारों ने किया दावा। शनिवार को कोतवाली इलाके के 12 पत्थर मैदान में मिला था अज्ञात शख्स का शव। दो परिवारों के एक शव पर दावे से पुलिस भी सख्त है। बरेली में पुलिस और एसटीएफ ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद स्मैक की कीमत करीब 2,75,00,000 रुपए। दोनों तस्करों की सैदपुर खजूरिया तिराहे से गिरफ्तारी। आगरा पुलिस ने नाले में मिले अज्ञात महिला के शव का किया खुलासा। प्रेम प्रसंग के चलते महिला की हुई थी हत्या। शादीशुदा महिला रहती थी अपने प्रेमी के साथ। आजमगढ़ में जनसेवा केंद्र के कर्मचारी से 7,46,000 की लूट का पुलिस ने खुलासा किया। वारदात को अंजाम देने वाले 50,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ। संभल में पुलिस ने तांत्रिक को किया गिरफ्तार। तांत्रिक को धार्मिक नफरत फैलाने, डराने, धमकाने और धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पीलीभीत में बंद कमरे के भीतर सत्संग की आड़ में धर्म परिवर्तन का आरोप। कई इलाकों में आए लोगों को लालच देकर ईसाई धर्म के में कन्वर्ट करने का आरोप। हिंदू संगठन के नेताओं ने मौके पर पहुंचकर हंगामा काटा। कौशाम्बी में कमरे में मिला विवाहिता का शव। महिला के परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने ससुराल वालों पर दर्ज किया मुकदमा। कासगंज के सिरोली गांव में भाई ने की भाई की हत्या। कुल्हाड़ी से काट कर किया मर्डर। पैसों को लेकर 6 महीने पहले भी दोनों भाइयों में हुआ था झगड़ा। अम्बेडकर नगर में प्राइवेट स्कूल के कमरे में मिली जली हुई लाश। हत्या कर शव को जलाने की आशंका। बेवाना थाना क्षेत्र के भितरी डीह गांव की वारदात। मथुरा पुलिस ने पत्थर गैंग के सदस्यों का स्केच जारी किया। 13 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के आबकाली सुरीर और जमुनापार थाना क्षेत्र में पत्थर गैंग सक्रिय। लखनऊ में बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान जारी। ड्रोन से बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए लोग। अभियान के तहत सीतापुर रोड से 16 घरों में बिजली चोरी पाई गई। अमरोहा में आबकारी विभाग के छापेमारी में 300 किलो अवैध शराब बरामद। टीम ने 500 लीटर लहर नष्ट किया। 5 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुलामपुर गांव का मामला। नोएडा में बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों के खिलाफ जूनियर कर्मचारी ने खोला मोर्चा। झूठे आरोप लगाकर प्रताड़ित करने का आरोप। कार्रवाई न होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी। वाराणसी में विदेश मंत्री एस जयशंकर संगोष्ठी में हुए शामिल। एस जयशंकर ने कहा कि G20 में आए हुए लोगों को काशी देखने का सौभाग्य। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सीएम का आभार जताया। वाराणसी में दलित नेता के घर गए विदेश मंत्री। दलित बूथ अध्यक्ष के घर एस जयशंकर ने किया ब्रेकफास्ट। G20 की बैठक के लिए काशी में हैं एस जयशंकर। ब्रेकफास्ट करने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दलित के परिवार के साथ फोटो भी खिंचवाई। विदेश मंत्री से मिलकर खुश नजर आया था दलित बूथ अध्यक्ष का परिवार। आरोपों से घिरे भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में रैली की। कहा, जब परिवार के हित का सवाल हो तो घर के मुखिया को कुर्बानी देनी पड़ती है। जब देश की बात हो तो सबको कुर्बानी देनी पड़ती है। वही है वही जो राम रच राखा। जयंत चौधरी का ब्रजभूषण सिंह पर हमला। कहा, ब्रजभूषण सिंह के सामने भाजपा के बड़े नेता नतमस्तक। क्या किसी की हिम्मत है कि ब्रजभूषण का इस्तीफा मांग ले। अखिलेश की 80 सीट जीतने के दावे पर राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने अखिलेश यादव को दी चुनौती। कहा, अखिलेश यादव सिर्फ वाराणसी सीट जीतकर दिखा दें। अगर वाराणसी जीते तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैनपुरी में डिंपल यादव ने हाई स्कूल और इंटर के मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटे। सांसद हरनाथ सिंह के ट्वीट पर डिंपल यादव ने पलटवार किया। कहा कि इस तरह का बयान देने वाले लोग पहले खुद का अस्तित्व देख लें। अमित शाह और जेपी नड्डा यूपी में करेंगे रैली। जून के आखिरी हफ्ते में होगी रैलियां। 14 हारी हुई सीटों में से किसी एक सीट पर जेपी नड्डा और एक सीट पर अमित शाह करेंगे रैली। दुधवा में बाघों की मौत मामले में वन मंत्री ने सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम योगी ने मामले में विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी। वन मंत्री जल्द ही विस्तृत जांच रिपोर्ट दे सकते हैं। श
श्रावस्ती में केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विकास यात्रा का शुभारंभ किया। अलछेंद्र इंटर कॉलेज में लाभार्थियों को दिए सर्टिफिकेट। मुरादाबाद में कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने भाजपा के संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में शिरकत की। कहा लोकसभा चुनाव के लिए नारा दिया और क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने धर्मांतरण पर दिया जवाब। कहा योगी सरकार में नहीं चलेगा कोई धर्मांतरण का खेल, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा सांसद साक्षी महाराज का दावा। 350 से ज्यादा सीटें जीतकर भाजपा बनाएगी सरकार। हिंदुस्तान की जनता पीएम मोदी की नीतियों की मुरीद। अलीगढ़ में सपा से पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह ने लव जिहाद पर दिया बयान। कहा लव जिहाद सिर्फ चुनाव के वक्त आता है, लव जिहाद के नाम पर बन रही हैं सरकारें। बरेली में लव जिहाद पर साध्वी प्राची का विवादित बयान। कहा हिंदुओं को सिर्फ पैसा कमाना तो मुसलमानों को हिंदुस्तान पर शासन करने की चिंता। मस्जिदों और मदरसों से फैलाया जा रहा है लव जिहाद। उन्नाव में विधायक ने पूरा किया अपना वादा। अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप खिलाड़ी अर्चना निषाद के घर तक सड़क निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। इस मौके पर विधायक समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्ला कानपुर के रहमानी शहर में एक श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। मीडिया से बातचीत में कहा कि लव जिहाद के नाम पर कोई जिहाद इस्लाम में नहीं। कानपुर में कूड़ा फेंकने गई महिला ने देखा तेंदुआ। तेंदुए को लेकर ग्रामीणों में दहशत। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी। आगरा में कानपुर में कूड़ा फेंकने गई महिला ने देखा तेंदुआ। तेंदुए को लेकर ग्रामीणों में दहशत। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी। आगरा में भारतीय किसान यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना जारी। जमीन पर अवैध कब्जा और लेखपाल का रिश्वत मांगने का वीडियो सामने आया। शिकायत के बाद भी पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का भारी संख्या में धरना जारी। किसानों ने भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन किया। प्राधिकरण के खिलाफ नारेबाजी की। अलीगढ़ के जंगल में कटी मिली दो भैंसों को लेकर हिंदुवादी संगठनों का प्रदर्शन। साधु संतों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया। मेरठ में मर्यादित वस्त्र पहनकर मंदिर में आने की अपील। श्री बालाजी और शनि मंदिर के बाहर लगे बोर्ड। बोर्ड में भक्तों से नियमों को मानने की अपील। सोनभद्र में वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग पर रेलवे लाइन के ऊपर बने पुल में दरारें आई। रेलवे ने पुल की मरम्मत के लिए पुलिस को लिखा पत्र। पुलिस से आवागमन बंद करने के लिए अपील। काशी विश्वनाथ मंदिर में क्लिक पर मिलेगी सुविधाएं। ऐप बताएगा मंदिर का इतिहास। प्रसाद की होगी ऑनलाइन खरीदारी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बदलाव। यूपी पुलिस महिला बीट कांस्टेबल और महिला हेल्प डेस्क कम्युनिटी आउटरीच एंड विमेन सिक्योरिटी विषय पर शुरू करेगा अभियान। महिला बीट और विमेन हेल्प डेस्क और संवेदनशील बनाने की तैयारी। सहारनपुर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ की कार्रवाई। 81 किलो गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।